फ्रेंड्स, तीनों गैस एजेंसी यानी कि एचपी, इंडियन या भारत गैस में से तीनों गैस एजेंसी में अगर किसी भी गैस एजेंसी में आपका सिलेंडर है, आप जानना चाहते हैं कि आपका सब्सिडी कितना आता है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी कितना आता है। दोस्तों मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक मास्टर ग्रोथ में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कि तीनों की एजेंसी के गैस सब्सिडी यानी कि एचपी, इंडियन और भारत गैस की सब्सिडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करते हैं माई एलपीजी, उसके बाद यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं myLPG.in जो कि दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो सिंपली यहाँ पे myLPG.in पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों जिस भी एजेंसी में आपका जो भी सिलेंडर है, आप उस सिलेंडर पे क्लिक करके आप चाहें तो अपनी सब्सिडी को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको भारत गैस और एचपी गैस के बारे में बता देता हूँ कि इसकी सब्सिडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि आप इंडियन गैस की सब्सिडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत गैस और एचपी गैस की सब्सिडी को चेक करने का प्रोसेस लगभग सेम है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं एचपी गैस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एचपी गैस सिलेंडर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो myHPGas.in इस तरह का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा मिलेगा न्यू यूजर, तो सिंपली यहाँ पे न्यू यूजर पे हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। आपको यहाँ पे कहा जाएगा अपना स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए, तो आप चाहें तो इस तरह से स्टेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, फिर यहाँ पे आपको कहा जाएगा कंज्यूमर नंबर डालने के लिए, तो आसानी से अपना कंज्यूमर नंबर को डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर कहा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के लिए, फिर यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करके आसानी से इसे प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर कहा जाएगा पासवर्ड सेट करने के लिए, तो आसानी से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पहले अकाउंट बना चुका हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जाएगा अपना मोबाइल नंबर डालने को, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करेंगे, फिर यहाँ पे मैं लॉगिन पे मैं क्लिक करके आसानी से इसमें लॉगिन हो सकता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाला, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिलअप किया, फिर यहाँ पे मैं लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कहा जाएगा पासवर्ड इंटर करने को, तो दोस्तों पासवर्ड अगर आपको याद है तो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यहाँ पे पासवर्ड अपना याद है तो मैं पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलपीजी आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, फिर कंज्यूमर नंबर, फिर यहाँ पे कंज्यूमर नेम, फिर आधार नंबर, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कोड, फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, इस तरह से शो हो रहा है। उसके बाद तो यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कस्टमर है यानी कि जिसके नाम पे सिलेंडर है, सारा डिटेल यहाँ पे इस तरह से शो होता दिखेगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री एंड सब्सिडी ट्रांसफर, तो सिंपली यहाँ पे इस पर हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी कस्टमर है यानी कि जिसके नाम पे सिलेंडर है, उसका सारा डिटेल यहाँ पे इस तरह से शो होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट, यहाँ पे ऑर्डर आईएफ नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर यानी कितने नंबर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे बुक हुए थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस, स्टेटस यानी कि कितने यहाँ पे डिलीवर्ड हो चुके हैं और कितने यहाँ पे प्रोसेस में है। यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोसेस में है यानी कि एक सिलेंडर मेरे घर पे यहाँ पे आने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारा डिटेल को आसानी से चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपना डेट भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने सब्सिडी अमाउंट आ रहे हैं आपके अकाउंट में, आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे, और कौन से बैंक अकाउंट में आ रहे हैं आप चाहें तो आसानी से उसे भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना बैंक अकाउंट नंबर भी आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से डेट में कितने अमाउंट आपके अकाउंट में आए हैं जो कि सब्सिडी के तौर पर आपके अकाउंट में आए हैं, तो आप चाहें तो सारा डिटेल को आसानी से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन गैस की सब्सिडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सेम दोस्तों उसी तरह से हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सर्च बार में टाइप करते हैं माई एलपीजी, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे myLPG.in पे हम क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इंडियन गैस पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा गिव योर फीडबैक ऑनलाइन, तो सिंपली यहाँ पे गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा एलपीजी, तो सिंपली यहाँ पे एलपीजी पे हम क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्क्रोल करके आप नीचे की साइड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा सब कैटेगरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको लिखा मिलेगा सब्सिडी नोट रिसीव्ड, तो सिंपली यहाँ पे सब्सिडी नोट रिसीव्ड पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके
गैस एजेंसी से जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर किया गया, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे हम इंटर करेंगे। या फिर दोस्तों अगर आप चाहें एलपीजी अपना आईडी नंबर डालने के लिए तो यहाँ पर डाल करके फिर यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करके आप चाहें तो अपने गैस की सब्सिडी को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान चुके हों कि तीनों एजेंसी के गैस की सब्सिडी को आप कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।